भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से प्रदेश में 3 तलाक, महिला आरक्षण जैसे गंभीर मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने बताया कि देश की बीजेपी सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के हितार्थ के लिए ऐतिहासिक फैसलों से खुश होकर अल्पसंख्यक समाज की मुस्लिम महिलाओं ने प्रदेश भर में कलेक्टर के माध्यम से पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण कानून, मुस्लिम महिलाओं को बिना मेहरम के हज करवाना और महिला आरक्षण विधेयक बनाने जैसे मामलों पर पीएम मोदी द्वारा दिए गए फैसलों को लेकर मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है, इसलिए मुस्लिम समाज की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा व जयपुर शहर जिला कलेक्टर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर जयपुर शहर मोर्चा अध्यक्ष अब्दुल अजीज, जयपुर शहर महामंत्री परवेज खान, मजीद पठान, फरीदुद्दीन, भाजपा पार्षद प्रत्याशी शबाब जहां, नाजमीन खान, रुखसाना बानो, आयशा बानो, रजिया बानो सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हो रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के बीजेपी मुख्य कार्यालय के अंदर। हमारे साथ खास बातचीत के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हमीद मेवाती खान मौजूद है। हमीद मेवाती से हम जानेंगे कि आज वो कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे, किस प्रकार का ज्ञापन था और क्या बात हुई थी उसको लेकर हम उनसे खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमीद मेवाती जी, बताइए किस बार प्रकार को लेकर, किस बात को लेकर आप ज्ञापन देने पहुँचे? देखिए, सबसे पहले तो मैं रॉयल पत्रिका न्यूज के नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं आपके सारे व्यूज को। और आज का जो कार्यक्रम था पूरे प्रदेश के अंदर, राष्ट्रीय नेतृत्व अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा हमें दिशा निर्देश दिए गए थे कि माननीय मोदी जी ने जो जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उसके साथ में जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनके लिए जो 3 तलाक कानून ख़त्म करके उन्होंने नया जो एक्ट बनाया है जिसमें हमारी बहनें बड़ी खुश हैं। और जिस तरह से जब हमारी बहनों को तलाक देकर छोड़ दिया जाता था, माननीय मोदी जी ने जो ये कानून बनाया उसके बाद में पूरे देश के अंदर मुस्लिम बहनों ने उनका धन्यवाद देने का एक कार्यक्रम था। इसके अलावा बिना महरम के जो हज पे माननीय मोदी जी ने यात्रा कराई, हज यात्रा, और 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया है, क्योंकि पूरी देश की महिलाएँ हैं उसमें हमारी मुस्लिम बहनें भी हैं, और उस सब चीज़ों को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मोदी जी का शुक्रिया अदा किया है और धन्यवाद ज्ञापन दिया है कि माननीय मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने जिस तरह के काम किए हैं, ऐतिहासिक काम हैं, पिछली सरकारों में जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, इस सरकार में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जिस तरह से जो विकास के काम कराए हैं, जो जनकल्याणकारी योजनाएँ चलाई हैं, उन योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। जितनी हमारी आबादी है उस आबादी से ज़्यादा परसेंटेज में हमें उन योजनाओं का लाभ मिला है, उन सबको लिए हमने धन्यवाद ज्ञापित किया। जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनके लिए जो ये एक्ट बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, 3 कानून जो उन्होंने बनाए हैं, अलग अलग तलाक, 3 तलाक जो ख़त्म करके कानून बनाया उसके लिए, बिना महरम के हज पे जो हमारी बहनें गई उनके लिए, और आरक्षण विधेयक जो बिल पास किया उसके लिए हमने आज धन्यवाद ज्ञापित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और उनके लिए दुआ की है हमारी मुस्लिम बहनों ने कि आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार देश में सत्ता संभालें, उसके लिए हमारे समाज के लोग बढ़ चढ़ कर इस चुनाव में भाग लेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा राजस्थान के अंदर जो हमारा लक्ष्य है 25 सीटों को जिताने का, उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और 25 की 25 सीटें जिताकर माननीय मोदी जी की झोली में डालेंगे। एक छोटा सा सवाल आपसे और है कि अभी विधानसभा जो चुनाव हुए 2023 के अंदर, उसके अंदर राजस्थान के अंदर किसी माइनॉरिटी को मतलब टिकट नहीं दिया गया था, तो क्या इस बार आप बताएंगे कि लोकसभा के अंदर कोई माइनॉरिटी के 25 सीट है राजस्थान के अंदर, के 25 सीटों के अंदर एक भी सीट का कहीं कैंडिडेट उतारेंगे अल्पसंख्यकों को लेकर बीजेपी? देखिए, हम संगठन में काम करते हैं और पार्टी की प्रति जो हमारी पंच निष्ठाएँ हैं उनको हमने ध्यान में रखकर इस पार्टी में काम करना शुरू किया। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन जो हमें काम देता है हम उस काम को करते हैं। टिकट देना ना देना ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार है। हमारे कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगे, हमने उनकी बात केंद्रीय नेतृत्व को पहुंचाने का काम किया, लेकिन और बेटर होगा क्योंकि जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं
वो एक पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता थे जिनको आज राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर है कि ये ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री भी बना दिया जाता है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच के कार्यकर्ता आज राजस्थान की कमान संभाल रहे हैं। जब हमें गर्व महसूस होता है क्योंकि ये सब संभव है जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नए नए प्रयोग करते हैं। अब लोकसभा चुनाव में अपनी बात रखने का हमारा अधिकार है, अपनी बात प्रदेश नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व तक हम पहुँचाने का काम करेंगे और हमारा प्रयास है कि राजस्थान के अंदर अल्पसंख्यक समाज के जो लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं उन कामों को जनता के बीच में ले जाकर अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे और पहले से ज़्यादा तादाद में इस बार वोट देने का हम काम कराने का प्रयास करेंगे और मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का हमने जो काम किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, उसका लाभ विधानसभा चुनाव में मिला है और इस लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी की जन कल्याण कार्यों की ताकत पर ही हम 25 की 25 सीटें यहाँ पर जीतेंगे। छोटा सा सवाल आपसे हो रहे हैं, छोटा सा सवाल ये है कि यूनुस खान जी जो है डीडवाना से निर्दलीय फॉर्म भरा था उन्होंने और फॉर्म भरने के बाद वो जीत गए थे निर्दलीय, लेकिन फिर भी अभी जो 22 मंत्री है जो घोषणा की है उस 22 मंत्रियों के अंदर उनका कहीं जिक्र नहीं आया या फिर उन्होंने वापस बीजेपी ज्वाइन की, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए ये सब हमारे प्रदेश नेतृत्व का काम है और हमारे यहाँ पर हम पूर्ण बहुमत में हैं, 115 हमारे विधायक जीत कर आए हैं, हम पूर्ण बहुमत की सरकार है यहाँ पर और उन्होंने समर्थन दिया नहीं दिया इस विषय में हमारे प्रदेश नेतृत्व या जो हमारे इस विषय के लिए जो देखते हैं हमारे कार्यकर्ता वो इसी विषय में बोल सकते हैं। हम तो यही कि हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भजनलाल जी की सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में अच्छा काम करेगी हमें विश्वास है, क्योंकि उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से घूम घूम कर उनको जब दायित्व मिले हैं पार्टी के संगठन के उन्होंने काम किया है, उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और आम जनता को भी मिलेगा क्योंकि धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया है। इसके लिए हम सब कार्यकर्ता उनका आभार भी व्यक्त करते हैं और आगामी 2024 में जो लोकसभा के जो चुनाव हैं उनकी तैयारियों में हमारे कार्यकर्ता सब लग गए हैं और अच्छा रिजल्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें हम जीतकर भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी को देंगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनेंगे। तो ये थे हमारे साथ हमीद बेबाती जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरी पार्टी ने किस तरीके से कार्यकर्ताओं के जरिए ये कार्यक्रम को सेट किया और सेट करने के बाद में और ये एक ज्ञापन देने पहुँचे। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ रॉयल पत्रिका के सद्दाम हुसैन जयपुर।